तो देखिए दोस्तों, यह है सफेद चितरक। चितरक के करीबन 3 प्रजाति होते हैं। लाल फूल वाला होता है और पीला फूल वाला भी होता है, काला फूल वाला भी होता है। यह देखिए सफेद फूल वाला चितरक, जो कि बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी माना जाता है और आयुर्वेद की दुनिया में हजारों सालों से वैद्य इसे इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, फूल कुछ इस तरह से होता है, पहचान लीजिए ताकि आपको कहीं मिले तो आप इसे तुरंत पहचान लें और अपने बीमारी अपने रोगों में इसका इस्तेमाल करें और रोगों से छुटकारा पाए। तो देखिए दोस्तों, चितरक का पत्ता कुछ इस तरह से होता है, वो भी आप देख लीजिए। और एक पहचान मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, चितरक के फूल के कली या फली कुछ इस तरह से भी दिखाई देते हैं। ये देखिए फूल है, ऊपर और नीचे कुछ कलियां हैं जो कि काफी रोवादार दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। दोस्तों यह चितरक नाम की जड़ी बूटी एक झाड़ी नुमा होता है जो कि 4 से 5 फुट तक ऊंचा होता है और यह जड़ी बूटी काफी दुर्लभ होता है, जंगलों के बीच में देखा गया है। और ये देखिए दोस्तों, यह चितरक का डंटल है, तना है, इसे भी देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस तरह से कुछ दिखाई देता है। और हाँ दोस्तों, इस जड़ी बूटी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग इसे चित्ता या चित्रा या फिर चित्त कहते हैं या फिर चित्रुम कहते हैं, तेलुगु और तमिल में, दक्षिण भारत में चित्तलम कहते हैं, चित्रुकल कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग भाषाओं में इसके बहुत सारे नाम हैं। आप इसे किस भाषा में किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आओ चलो अब इसके फायदे के बारे में जाने कि यह हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है और इस जड़ी बूटी से हम किन किन रोगों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी के हाथ पैर में जोड़ जोड़ में दर्द करता हो तो चितरक का चूर्ण 2 ग्राम और 2 ग्राम रसना चूर्ण और 1 ग्राम अश्वगंधा, तीनों चूर्ण को मिलाकर सुबह शाम 2 टाइम सेवन करने से हाथ पैर और गांठ गांठ के दर्द दूर होता है। दोस्तों, अगर किसी को नकसीर बीमारी हो, बार बार नाकों से खून गिरता हो, तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करे तो उसे फायदा होगा। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इस चितरक के चूर्ण करीबन 2 से 3 ग्राम ले लीजिए और 5 से 7 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 3 बार चाटिए तो नकसीर बीमारी ठीक होता है। दोस्तों, अगर किसी का खांसी ठीक नहीं हो रहा है और वह बहुत परेशान है तो इस चितरक का चूर्ण 2 ग्राम, 2 ग्राम सौंठ का चूर्ण और 2 ग्राम आंवला, 2 ग्राम बहेड़ा, सभी चीज को पीसकर और 2 ग्राम मिश्री मिलाकर 1 खुराक बना लीजिए। उस 1 खुराक को आप सुबह शाम 2 टाइम गरम गरम पानी के साथ सेवन कीजिए तो खांसी रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह जड़ी बूटी जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसे चितरक के नाम से जाना जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर किसी के दांतों से खून मवाद आता हो, दांतों में पेरिया हो या मुंह से बदबू आता हो तो आप इस चितरक के जड़ के चूर्ण दांतों में रगड़िए, मसाज कीजिए तो दांतों के समस्त रोग दूर हो जाएंगे इस चितरक के चूर्ण से। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों दांतों के लिए भी यह चितरक। दोस्तों, अगर कोई बवासीर रोग से परेशान है तो वह अभी इस चितरक के छाल का इस्तेमाल कर सकता है। चितरक के जड़ के छाल 2 ग्राम ले लीजिए और सुबह शाम छाछ के साथ करीबन 5 से 100 ml तक हो सुबह शाम सेवन कीजिए तो बवासीर रोग में भी फायदा होगा। इतना फायदेमंद होता है यह चितरक बवासीर रोग के लिए। दोस्तों, यह चितरक पाचन क्रिया को मजबूत करता है, खाया पिया तुरंत हजम करा देता है। करना क्या है, 3 ग्राम चितरक के छाल का चूर्ण और 2 ग्राम आंवला, 2 ग्राम हर्रा, 2 ग्राम बहेड़ा, तीनों चारों को मिलाकर गरम गरम पानी के साथ सेवन करने से पाचन क्रिया मजबूत होता है और भूख भी बढ़ता है। दोस्तों, तिल्ली के सूजन में भी चितरक का इस्तेमाल किया जाता है। करना क्या है आपको, अगर किसी की तिल्ली में सूजन है तो करीबन 2 से 3 ग्राम चितरक के जड़ की छाल ले लीजिए और उस चितरक के छाल में करीबन 10 से 20 ml तक एलोवेरा का रस मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से, पीने से, खाने से तिल्ली का सूजन दूर होता है। दोस्तों, यह चितरक स्त्रियों को प्रसव पीड़ा को भी शांत करता है, कम करता है। अगर किसी स्त्री को प्रसव के दरमियान बहुत अधिक दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है तो करीबन
10 ग्राम तक चित्रक के जड़ का छाल ले लीजिए और करीबन 20 ग्राम शहद मिलाकर चटा दीजिए तो प्रसाव पीड़ा कम होगा और सुखपूर्वक प्रसाव हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है यह जड़ी बूटी, जिसे हम चीता के नाम से या चित्रक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गठिया वात बतासम भी इस चित्रक के जड़ का छाल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ और भी कुछ जड़ी बूटियों का घटक शामिल होगा, मिलन होगा। जैसे मान लीजिए चित्रक के छाल है 3 ग्राम, तो इंद्रजव 3 ग्राम, आतिश 3 ग्राम और हरण 3 ग्राम, सभी सामान को मिलाकर एक डोज लेना है और सुबह शाम इसी तरीके सेवन करना है, तो गठिया बाई बतास का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह चित्रक। दोस्तों, यह चित्रक सफेद कुष्ठ रोग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। सफेद दाग रोग होता है, बहुत से ऐसे आदमी है जिनके हाथ पैर में, मुंह नाक में या पूरे शरीर में सफेद दाग होता है, उसे लिकोडर्मा कहते हैं। उस बीमारी के लिए भी यह बहुत अच्छा जड़ी बूटी माना जाता है। करना आपको क्या है, इस जड़ी बूटी के छाल को दूध के साथ पीसकर पत्थर के सिल में इसका पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को उस सफेद दाग के ऊपर लेप करना है जहां जहां सफेद दाग हो, और तब तक इसे लेपन करना है जब तक वहां पर छाले न पड़ जाए, यानी जहां सफेद दाग है, और छाले पड़ने तक आप इस जड़ी बूटी को वहां पर लेप करे रहने दीजिए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर वह सफेद दाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है यह चित्रक सफेद दाग यानी त्वचा रोग के लिए। दोस्तों, यह चित्रक उन स्त्रियों के लिए भी फायदेमंद है जिन स्त्रियों को हिस्टीरिया नामक बीमारी हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हिस्टीरिया नामक बीमारी स्त्रियों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। एक तरह से जिस तरह से मिर्गी का बीमारी होता है, उसी तरीके से हिस्टीरिया बीमारी होता है, और जिस स्त्री को हिस्टीरिया बीमारी हो जाता है उनका जीवन बिल्कुल दुश्वार हो जाता है, नर्क हो जाता है, जीने का तमन्ना उनका छिन जाता है। तो ऐसे स्त्रियों के लिए भी यह चित्रक रामबाण औषधि है, बहुत अच्छा दवा है। करना क्या है, इस चित्रक के जड़ की छाल ले लीजिए और ब्रह्मी का चूर्ण ले लीजिए और वच का चूर्ण ले लीजिए। तीनों चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर आपस में मिला दीजिए और मिलाने के बाद सुबह शाम दोपहर 2-2 ग्राम तक सेवन कराइए उस स्त्री को जिसको हिस्टीरिया नामक बीमारी है। तो दोस्तों, इससे उसे अवश्य ही फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। और हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि यह चित्रक बहुत गर्म होता है। गर्म होने के कारण इसका अधिक सेवन करना हानिकारक होता है, इसलिए इसका डोज मात्र 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक है और हद से हद 3 से लेकर 5 ग्राम तक भी है। रोग के अनुसार इसका सेवन किया जाता है। तो दोस्तों, चलो आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।